रोड एक्सीडेंट में घायल उन्नाव रेपकांड पीड़िता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का कहना है कि ये बेहद शर्मनाक बात है कि सरकार पीड़िता को सुरक्षा देने में नाकाम रही है और आखिर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से क्यों नहीं निकाला है। जितिन प्रसाद से बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। जो कुछ उन्नाव में हुआ और जो अब भी हो रहा है, एक सड़क हादसा होता है, ये हादसा है या साजिश है, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए? सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण शमशार करने वाली घटना है जहां पूरे देश की नज़रें इस पीड़िता के ऊपर लगी थीं और उसे सरकार प्रशासन शासन सुरक्षा ना दे पाया और आज वो मौत से जूझ रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें, बड़ी बातें हो रही संसद के अंदर सशक्तिकरण और महिला अधिकारों के ऊपर, मगर एक महिला, एक पीड़िता को न्याय ना दे सके, सुरक्षा ना दे सके, क्या वजह है कि आज भी उस विधायक को भारतीय जनता पार्टी से निकाला नहीं गया? संरक्षण किसका है? कौन वो लोग हैं? क्या छुपाना चाहती है भाजपा? ये जवाब खड़े होते हैं। और जहाँ तक संसद का सवाल है, कांग्रेस के और विपक्ष के लोग सवाल उठाना चाहते हैं, संसद में चर्चा चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, वो भी नहीं होने दिया जा रहा, दबाया जा रहा है पूरे मामले को। तो लगता है कि बीजेपी के जिस विधायक के ऊपर आरोप है वो जेल में बंद है, कुलदीप सिंह सेंगर, और सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिर बीजेपी और मोदी सरकार, बीजेपी कब इस बात को लेकर एक्शन लेगी कि उनको पार्टी से निकाला जाए या उनसे डिसोसिएट करे पार्टी। अभी तक नहीं हुआ। एक्शन तो कब का हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये सवाल खड़े होते हैं। जवाबदेही किसकी बनती है वो भी तय होनी चाहिए। प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट कर रही हैं, राहुल गांधी ने भी कहा है कि मिलने जा सकते हैं, प्रियंका गांधी भी जा सकती हैं वहाँ पे। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से अभी वहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया बीजेपी ऑफिस जो वहाँ पे लखनऊ में है, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कहाँ तक ले जाएगी, उस पीड़िता को न्याय मिले इसके लिए आप लोग कहाँ तक? नहीं, ये कोई मामला, कोई छोटी घटना नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो, सब लोग, आम जन की बात है कि एक सुरक्षा आप एक पीड़िता को नहीं दे पाए, ये शमशार करने वाली घटना है जिसमें सबका सर शर्म से झुक जाता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने उनकी ढिलाई बरती, जिन्होंने संरक्षण दिया, जो लोगों ने जिसमें अभी तक कार्रवाई नहीं की, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से जितिन प्रसाद जी का कहना है कि जिन लोगों ने के संरक्षण में ये सब हुआ है, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।